वी द पीपल, हम भारत के लोग, जोड़ना है और जुड़ना है, जुड़ेंगे जीतेंगे, जिद्द है जुड़ने की। सभी पूरे भारत के अंदर लोग बहुत तेजी से जुड़ते जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि ये जो बहुत तेजी से जुड़ते जा रहे हैं, लगभग 22 राज्यों में आज के समय जुड़ चुके हैं और बहुत सारी जो स्ट्रीम है, बहुत सारे डिपार्टमेंटों के जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं, आखिर इनका जुड़ के करोगे क्या? अधिकतर लोगों के दिमाग में एक बात ये आती है कि भाई लोग जुड़ेंगे तो मास्टर चाबी खोलेंगे। उनके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि सारी मुसीबतों का, सारी तकलीफ़ों का, सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, बाबा साहब ने कहा है, मास्टर चाबी यानी राजनीति है। दरअसल बाबा साहब ने राजनीति के लिए मास्टर चाबी कहा है या नहीं कहा है ये बात की बात है, मगर बाबा साहब ने और भी बहुत कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्थिक क्षेत्र में हम कैसे उन्नति करें, उन्होंने कहा है कि सामाजिक क्षेत्र में कैसे हम इकट्ठे हों, और उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा है पे बैक टू सोसाइटी, यानी आपने जो लिया है, जो बाबा साहब से लिया है या जो बाबा साहब के बाद में जो लोगों ने मेहनत की है उससे जो आपने लिया है, जो प्राप्त किया है, उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों को लौटाना है जिन्होंने वो हिस्सा दिया है। इसको समझें कि ये बात क्या है। हमारे पास ना इंडस्ट्री है, ना कोई उद्योग धंधा है, ना कोई फैक्ट्री है, इक्का दुक्का किसी के पास कुछ ज़मीन होगी, बाकी हमारे लोगों के पास ज़मीन भी नहीं है, रहने के लिए मकान की भी दिक्कत है, झुग्गी झोंपड़ियों में लोग अधिकतर रहते हैं, कुछ 1-8% या उससे कम ऐसे लोग होंगे जो कुछ अच्छे पक्के मकानों में रहते होंगे। हमारे पास में बाहर जाने का कोई मौका नहीं है क्योंकि हमारे पास में शिक्षा का, एजुकेशन का भी अभाव है, और अब एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है तो मिलने का चांस है नहीं। तो हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पास उद्योग धंधे नहीं हैं, हमारे पास व्यापार भी नहीं है, यानी दुकान और व्यापार ये भी नहीं है। बाहर भी हमारे लोग कहीं ऐसे बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं बसे हुए हैं कि वो हमको बुला लेंगे, जैसे मुस्लिम कंट्रियों में यहाँ के मुस्लिम लोग चले जाते हैं, ऐसी स्थिति है नहीं। क्योंकि ये देश हमारा ही है और हम इसी स्थिति में हैं, तो हमें कैसे पे बैक करना है और हमें मिला क्या है, इसको समझ लें। ये जो हमारे लोगों के पास जो भी कुछ है वो थोड़ी बहुत सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में तो शोषण होता है, कुछ ज़्यादा मिलता मिलाता है नहीं, तनख्वाह बड़ी कम है, तो सरकारी नौकरी में सरकार का जो एक नियम होता है उसके अनुसार पैसा मिलता है, वो हमारे लोगों के हिसाब से ठीक होता है। तो उसमें जो सरकारी नौकरी में पैसा मिला है वो अपने बच्चे को पाले, पढ़ाए लिखाए, कायदे में तो उसको 20वां हिस्सा यानी 5% जैसा बाबा साहब ने कहा है, वो किसी सामाजिक संगठन को, किसी धर्म के संगठन को, किसी ऐसे वेलफेयर के संगठन को देना चाहिए या बनाना चाहिए जहां वो समाज के हित में लगे। मगर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सीट वो लेके आया है, जहां वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो क्लास 1 अफसर है, क्लास 2 है, क्लास 3 है या क्लास 4 है, चाहे वो कोई IAS है, IPS है, IFS है, ITS है, IRS है, PCS है, या कोई चपरासी है कहीं या सफाई कर्मी है जो सरकारी तनख्वाह लेता है, तो वो जो उसको सीट मिली हुई है, वो जो उसको जगह मिली हुई है, वो जहां पर वो पोस्टेड है, जो उसे पद मिला हुआ है, वो उसका नहीं है। वो दरअसल बाबा साहब ने जो लोगों को गिनवाया, काउंटिंग करवाई, उस समय 6 करोड़ के आसपास लोग थे, तो उन्होंने ये कहा कि 6 करोड़ का जो परसेंटेज है वो लगभग 14% बनता है आबादी के हिसाब से, तो 14% SC के नाम से जो शेड्यूल बनाया, जो एक सूची बनाई कास्ट की, उन लोगों के हिसाब से उनको सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां मिलती हैं वो 100 में से 14 नौकरी उनको मिलेंगी, यानी वो 6 करोड़ जो लोग उस समय थे उनकी नौकरियाँ हैं। आज के समय वो 20-22 करोड़ हैं, तो जो 20-22 करोड़ लोग आज के समय हैं उनकी नौकरियां लोग करते हैं, ये इनकी अपनी नहीं है, क्योंकि ये आरक्षण से मिली हैं, रिजर्वेशन से मिली हैं, और ये लोग उन नौकरियों पर प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इस 22 करोड़ के समाज के लोग हैं जिनका हिस्सा हमें मिला है और ये नौकरी उनके हिस्से की है। तो नौकरी 22 करोड़ लोगों की है, नौकरी उसकी नहीं है जो कर रहा है। तो बाबा साहब कहते हैं कि आपको पे बैक टू सोसाइटी करनी है तो कैसे करनी है और हमें क्या करना है। दरअसल जितने भी
ग्रुप बने हैं या जितने भी संगठन बने हैं या जो जिले में या गांव में या तहसील में या बड़े शहरों में जो लोग इकट्ठे होकर एक समूह बनाते हैं, वो समूह बहुत पुरानी प्रक्रिया पे हैं और वो संविधान के तहत में आधारित प्रतिक्रिया पे नहीं है। क्यों नहीं है उस प्रक्रिया पे? क्योंकि वो एक ही तरह के लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें वो एक को अपना कुछ मान लेते हैं, नेता मान लेते हैं या प्रधान मान लेते हैं या प्रतिनिधि मान लेते हैं, तो बाकी लोग भी ऐसे ही हैं। वो सारे अधिकतर सत्ता के लिए लड़ते हैं, वो सारे अधिकतर प्रधानी के लिए लड़ते हैं, वो जो पॉलिटिकल पावर है उसके लिए वो लड़ते हैं। मगर पॉलिटिकल पावर तो आती रहती है, जाती रहती है, आए या ना आए बात की बात है, मगर जो सरकार के अंदर बजट होता है, उस बजट में भी, उस पैसे में भी जो पूरा देश मेहनत करके इकट्ठा करता है, उसमें भी 22% हिस्सा उन लोगों का बनता है। तो सरकार उन पर खर्च करती है, तो सरकार जब खर्च करती है तो वो जिले में और तहसील में जाता है, योजनाओं के रूप में आता है, बैंकों से लोन मिलता है, बहुत सारी छूट आती हैं। उसका पता उन 22% लोगों को नहीं मिलता, उनको मदद नहीं मिलती, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको सरकार के फायदे नहीं मिल पाते। यही फायदे सरकार की मिलें, इसलिए हर एक जिले में आपको कम से कम 13 प्रकार के लोगों का एक संगठन, एक समूह, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? उसमें एक टीचर लेना है आपने, जो यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है, ये कम से कम की संख्या है, एक टीचर। एक उसमें जो वहाँ पुलिस में कहीं काम करने वाला कोई व्यक्ति है, जो आपके जैसा आपका भाई बंधु रिश्तेदार है, एक उसको शामिल करना है। एक आपको पत्रकार शामिल करना है, जो आपकी सूचना पूरे देश से देता रहे, लेता रहे। एक आपको IT एक्सपर्ट करना है, जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आपको मोबाइल चलाना, आपको यूट्यूब चलाना, आपको फेसबुक चलाना ये सिखाता रहे, बताता रहे, आपकी खबरें, आपकी जानकारी आपको देता रहे कि क्या आपके वेलफेयर के लिए आया है, क्या गया है। एक महिला, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी 50% है, तो कम से कम एक महिला, एक यूथ होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए। एक जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो जिले का DM का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या डिप्टी कमिश्नर का जो हेडक्वार्टर होता है, उसमें एक ऑफिस में कोई बंदा आपका होना चाहिए, जो सरकार की नीतियाँ आती हैं, पॉलिसियाँ आती हैं, जो छूट आती हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। एक डॉक्टर होना चाहिए, जो आपकी हेल्थ की समस्या को कम से कम आपको बता सके कि कहाँ हेल्थ की समस्या है, कहाँ से मिलेगा, क्या चीज़ फ्री है, सरकार कैसे देती है, कहाँ पर है। एक इंजीनियर होना चाहिए, जो आपको योजनाओं के बारे में बताता रहे, जानकारी देता रहे, टेक्नोलॉजी के बारे में बताता रहे। एक वकील होना चाहिए, कहीं आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है, कोई परेशानी आ रही है, कोई कागज़ पूरे करने हैं, कोई योजना है, कोई कैसी भी चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत हो गई है, तो वो आपको बताता रहे कि इसमें कैसे भरना है और कैसे करना है। एक बैंकर होना चाहिए, बैंक वाला, ताकि आपको पता चल सके कि बैंक की क्या योजना आई है, क्या छूट है, क्या पैसा मिलने वाला है, लोन कैसे मिलेगा। एक बिजनेसमैन होना चाहिए, जो आपको बताता रहे कि दुकान कैसे खुलती है, बिजनेस कैसे होता है, कैसे काम इसमें चलता है, कैसे काम इसमें नहीं चलता है। और एक होना चाहिए इसके अंदर सफाई कर्मी इसलिए क्योंकि सफाई कर्मी बहुत ज़रूरी कड़ी है, वो बहुत पीछे रह गया है, उसको सफाई के काम से आगे बढ़ाना है, इसलिए उसको साथ लेके चलना है, उसको सारा व्यापार सिखाना है, उसको सारी बातें सिखानी है, वो सारे हमारे भाई हैं जो सबसे पीछे रह गए हैं। ये 13 प्रकार के लोग हैं जो आपको कम से कम एक जिले में इकट्ठे करने हैं, एक जिले में इकट्ठे करके एक आपको वहाँ यूनिट बनानी है। ये यूनिट आपको सिखाएगी कि सरकारी योजनाओं में जो चीज़ें आती हैं उनको कैसे लाभ लें, लोगों तक कैसे लाभ पहुँचाएँ, कैसे लाभ ना पहुँचाएँ, कैसे फ़ायदा होगा, कैसे नहीं होता, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे आना चाहिए, कैसे नहीं आना चाहिए। 13 प्रकार के लोग आप इकट्ठे करेंगे, इसमें मिनिमम 13 होने चाहिए, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 × 26 हो सकते हैं, 26 × 52 हो सकते हैं, 52 × 104 हो सकते हैं, 208 हो सकते हैं, जितने आपको मिलते जाएं आप उसमें जोड़ते जाएं, और जितने लोग आप उसमें जोड़ते जाएंगे आपको उतना ही सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा जिले में जब आप एक यूनिट बना लें, अपनी एक यूनिट बना लें, उसमें भाईचारा रखें, प्यार रखें, तो उसके दूसरा जो जिला है उस यूनिट से आप जोड़ लें, दूसरे जिले में भी तैयार होगी, आपका कोई ना कोई रिश्तेदार होगा, भाई होगा, जान पहचान का होगा, वो 13 लोग बहुत आसानी से 13 और लोगों को बता देंगे। जो बैंकर्स हैं उनकी सबकी एसोसिएशन बनी हुई है, इसलिए वो पूरे देश में आपको बता देंगे कहाँ कहाँ आपके लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। जो पुलिस वाले हैं वो आपको बता देंगे कि पूरे जिले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे तहसील में या पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहाँ कहाँ लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। जो वकील हैं उनका नेटवर्क बहुत तेज़ी से तैयार हो गया है, वो सब बता देंगे किस किस जगह आपके कौन कौन से वकील हैं।
डॉक्टर्स का भी नेटवर्क तैयार है पूरे देश में, वो बता देंगे कि कहाँ कहाँ आपकी डिस्पेंसरी है, कहाँ कहाँ आपके हॉस्पिटल हैं। बिजनेसमैन सब बिजनेसमैन को जानते हैं, सफाईकर्मी सब सफाईकर्मी को जानते हैं, जो पत्रकार हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं, जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं, महिलाएं महिला को जानती हैं, और यूथ अधिकतर बेरोजगार हैं या जो रोजगार में हैं या जो स्टूडेंट हैं वो बहुत तेज़ी से इकट्ठे हो जाते हैं। तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जैसा बाबा साहब ने कहा था कि किसी समाज में अगर 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील हों तो वो समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। उसका यही मतलब था कि वो एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को समझाएं और बताएं क्या रास्ता आगे है, क्या रास्ता आगे नहीं है, क्योंकि बैंक में क्या हो रहा है ये बैंक वाला जानता है जो आपको बता सकता है। पुलिस वाला आपकी मदद कर सकता है, आप नहीं जानते पुलिस डिपार्टमेंट कैसे चलता है कैसे नहीं, वो आपकी मदद कर सकता है। वकील आपके कागज़ भरवाने में, पत्र भरवाने में, कोर्ट कचहरी में कोई ना कोई काम आ सकता है, आप नहीं जानते, मगर आपके ग्रुप में होगा तो आप जान सकते हैं। टीचर आपको बता सकता है कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सी एजुकेशन अच्छी है, कौन सा पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, आपकी मदद हो जाएगी। जिले वाइज आपको बनाना है, किसी का इंतजार नहीं करना है, आप बनाएं। बनाने के बाद वी द पीपल ग्रुप के नाम से एक उस जिले का ग्रुप बना लें, उसमें जो बाकी लोग हैं उनको ऐड कर लें, सूचना दे दें। वी द पीपल की रोज मीटिंग होती हैं, जगह जगह मीटिंग होती हैं, सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप भी जब मदद में भागीदार होंगे तो हम अपनी गरीबी और अपनी परेशानी को बहुत जल्दी दूर कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही जैसे जब परिवार इकट्ठा होता है तो बहुत सारी मुसीबतें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। ये एक परिवार है जिसमें आपको एक दूसरे का हाथ बटाना है, एक दूसरे की मदद करनी है, इकट्ठे होकर आपको ये काम करना है। इसलिए जल्दी से जल्दी आप अपना ग्रुप बना लीजिए और जल्दी से जल्दी इकट्ठे हो जाइए ताकि आपको सारी की सारी सरकारी सेवाएँ मिलती रहें। सरकार आती हैं, सरकार जाती हैं, मगर जो एजुकेटिव डिपार्टमेंट है जिसमें सारे सारे अफसर होते हैं, गवर्नमेंट चलती है, वो हमेशा कायम रहती है, इसलिए मदद हमेशा आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।